टमाटर बेच सकता है तो क्या हमसे बड़े है? बेचने में कभी शर्म मत करो। और बेचने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपके सबके पास क्रिएटिविटी है, अपने बेचने के तरीकों को क्रिएट कीजिए। मैं क्रिएट करता हूँ, मैं बहुत शानदार तरीके से क्रिएट करता हूँ, बताऊ आप लोगों को कैसे। लास्ट 5 मिनट लूंगा, बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देकर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं न्यूट्रीचार्ज को काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद न्यूट्रीचार्ज खाता हूँ। इवन मैं न्यूट्रीचार्ज के जितने भी आपके हैं सारे लेता हूँ, एक साथ लेता हूँ, मैं ऐसे अलग अलग नहीं लेता सर। मैं मेन बायो आइस ओमेगा इन सबको खोलता हूँ, इन सबको खोल के एक साथ मुंह में रख लेता हूँ, पानी पी जाता हूँ। और ये पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बॉडी अब्सॉर्ब कर जाएगी। गलत ही है सर, मेरा इंजन थोड़ा ज्यादा काम करता है सर, क्योंकि मैं बोलता जाता हूँ ना तो इंजन मेरा ज्यादा काम करता है। आई मीन टू से प्रोडक्ट्स को सेल करना आना चाहिए। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। मैं न्यूट्रिशन वुमन बेच रहा हूँ यहाँ पे, वुमन, क्योंकि लेडीज काफी बैठी है तो इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। कर लो लेडीज ने हाँ कर दिया। सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करके बताऊंगा आप लोगों को लगे, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, कि न्यूट्रीचार्ज वुमन खरीदना चाहिए, तो अभी के अभी पीयूसी पर जाके खरीद लेना अगर आप लोगों को लगे तो। और आपको लगे कि नहीं रवि शर्मा की बात में दम नहीं था तो मत खरीदना, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। बेचू सर, बचू न्यूट्रीचार्ज वुमन, ओके। आप में से कितने लोग अपनी अपनी बीवियों से प्यार करते हैं? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो किसी और की, ऐसा कुछ प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ प्रोडक्ट। जय हर्षम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लाइव भारी। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। करते हो सर? सभी करते हैं? Yes. पक्का आपने अपनी वीडियो से प्यार करते हो? Yes. अभी चेक करता हूँ। हमारी बीवियां हमारी से मतलब सबकी सबकी हमारी घर की औरतें, हमारी घर की लेडीज रोज सुबह 5-6 बजे उठती है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और रात को 10-11 बजे सोती है। हमारी घर की लेडीज जब सुबह 5-6 बजे उठती है तब से वो काम चालू करती है, रात को 11 बजे तक काम करती है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? और हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग उनको ऑर्डर देने का काम करते हैं। खाना बना दिया? बना दिया। बच्चों को तैयार कर दिया? कर दिया। बच्चों को स्कूल भेज दिया? भेज दिया। माँ बाप को चाय दे दी? दे दी। मेरा टिफिन तैयार कर दिया? कर दिया। मैं दिन में आऊंगा, मेरे को चाय कॉफी पीनी है, करा देना, बना दूंगी। शाम को गरम गरम रोटी खाऊंगा, बना देना, बना दूंगी। घर का झाड़ू पोछा कर देना? कर दूंगी। मेरे माँ बाप को दिन में चाय दे देना? दे दूंगी। हम हमारी बीवियों को ऑर्डर देने का काम करते हैं और हमारी बीवियां चुपचाप आंखें बंद करके उस ऑर्डर को निभाती है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे देश की औरतों में खून की कमी पाई गई है, जिस कारण से औरतों की थाइस और काफ्स के अंदर दर्द होता है और वो रात को उस दर्द को लेके सोती है। और हम सब की बीवियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उस सबके ब्लड की कमी होने के कारण बॉडी में पेन होता है। आप में से कितने पतियों ने अपनी बीवियों से ये पूछा कि तू सारे दिन मेरे कहने पर भागती है, मेरे ऑर्डर का पालन करती है, रात को तेरे पांव दुखते होंगे, दबा दूं क्या? एक हाथ खड़ा हुआ, दूसरा अब तो सब खड़े कर दो, झूठे में क्या है? आप प्यार करते हैं अपनी बीवी से? यस। पांव दबाए कभी? एक दो बार, एक दो बार तो काम भी एक दो बार करो। नहीं सर। आपने प्यार करते हैं लेकिन ये काम नहीं किया पर। आपने? नहीं सर ये काम। क्यों सारे दिन ऑर्डर देते हो जब तो याद नहीं आता? आपने? जी नहीं सर। तो फिर ये प्यार कैसा? सर हम न्यूट्रीचार्ज देते हैं। मेरे बात मैं रिपीट कर देता हूँ कि औरत समाज का वो अंग है जो अपना घर छोड़ के हमारे घर में आती है, हमारे बच्चों को संभालती है, हमारे माँ बाप को संभालती है, सुबह से शाम तक भागती है। वो औरत जिसने जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा, वो औरत जो अपने ससुराल के अंदर भी जीरो थी और अपने मायके में भी जीरो होती है, क्योंकि उसको सिर्फ काम के अलावा कुछ आता नहीं है। और मात्र रात को जब पांव दबाने की बात आती है तो हम लोगों को पांव दबाने में शर्म आती है, तो प्यार कैसा? दोनों काम कराते हो जब तक आपको शर्म नहीं आती। चलिए मत दबाइए पांव, पुरुष प्रधान देश है।
मैं जानता हूं हमारा देश पुरुष प्रधान है, पाउंड बनने में शर्म आती है, मत दबाइए, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन जिसके अंदर 52-53 तरह के न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं, जो एक लेडीज की जिसकी रिक्वायरमेंट है अपनी बीवी को, वो 12-13 रुपए का एक कैप्सूल खरीद के दे दो जो रोज सुबह नाश्ते में खाने के बाद मिलेगी, 13-13 घंटे काम करा सकते हैं लेकिन 13 रुपए का न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं खिला सकते, तो प्यार कैसा है सर? अगर 13-13 घंटे काम करा सकते हो तो न्यूट्रीचार्ज वुमन का डब्बा खरीदना अभी के अभी और अपनी घर में जाके अपनी बीवी को पकड़ा देना हाथ में, आज के बाद इसको खाए बिना तू काम नहीं करेगी, मैं वादा करता हूं 3 महीने खिला देना, 4th महीने आपकी बीवी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे शादी हो गई हो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी कंप्लीट हो जाएगी और आपको दुआएं देगी, वाह पति देव वाह क्या पति मिला है, पांव तो दबा नहीं सका कोई बात नहीं, न्यूट्रिचार्ज वुमन तो खिला रहा है कम से कम। दिलाना चाहिए कि दिलाना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि अभी न्यूट्रिशन वुमन अपनी बीवियों को नहीं खिलाना चाहिए तो बीवी बीमार आपकी होगी, पड़ोसी की नहीं। और याद रखना, औरत सबसे ज्यादा बीमार होती है, अगर आज 350 रुपए का न्यूट्रिचार्ज वुमन नहीं खिलाया तो 10 साल बाद डॉक्टर 3.5 लाख रुपए एक साथ ले लेगा। अब वो 3.5 लाख रुपए डॉक्टर को देना मंजूर है या 350 रुपए का न्यूट्रिचार्ज वुमन खिलाना मंजूर है, लेना आप लोगों का खिलाएंगे। ऐसे कई प्रोडक्ट है जिनके एग्जाम्पल देखिए मैं बता सकता हूँ, अपनी बातों को वापस से रिपीट कर देता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। फ्रेंड्स, RCM आने वाले समय का बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है, ये रेवोल्यूशन है, ये परिवर्तन है, ये इंडिया की वो कंपनी है जो आपको मार्केट की रेट के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है, ये दुनिया की वो कंपनी है जहां पर 10 रुपए का साबुन भी मिलता है, और ये दुनिया की वो कंपनी है जो मात्र 800-900 रुपए प्रोटीन पाउडर भी देती है, यही प्रोडक्ट दूसरी कंपनियां 4-4 गुना रेट में बेच रही है। इसलिए याद रखिए, आप जिस कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा व्यापार और सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है। दूसरी बात याद रखिए, अगर आज RCM नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोई रास्ते है नहीं। इसलिए भविष्य में आप अपनी जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो RCM आपका इंतजार कर रहा है। तीसरी बात, RCM नहीं करोगे तो करोगे क्या, ये बात जरूर सोचते रहना। चौथी बात, लगातार मीटिंग सेमिनार लाना बंद मत करना। पांचवी बात, ये फ्रेम जो मैंने आपको दिया है इसको रेगुलर फॉलो करना। और छठी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने आप को पॉजिटिव रखना और याद रखना कि इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है और कोई बन भी नहीं सकता। आप नंबर वन बनने के लिए पैदा हुए हो। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए। और लास्ट कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें जो अपनी हर मीटिंग में बोलता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की वो लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो मैं जब भी सुनता हूं मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रुकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट पर जो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, मैं काफी अपने आप को एनर्जी महसूस करता हूँ, यह सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अगर आगे बढ़ोगे हम साथ खड़े हैं, डूबने लगोगे तो नीचे हम, जैसे डूबोगे हम डूबने नहीं देंगे, लात मार के वापस हवा के अंदर उछाल देंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप लुटो या डूबने नहीं देंगे, हम खड़े हैं नीचे आपके हाथ को पकड़ के ऊपर फेंकने के लिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपका पॉजिटिव माइंड, आपका कमिटमेंट, आपका आगे बढ़ना। समाज की परचेज कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, RCM परिवार में आपका स्वागत मैं करता हूं, हम आपके साथ जिंदगी भर है, आपकी टीम आपके साथ जिंदगी भर है, और ये माहौल आपको कभी पीछे जाने नहीं देगा, क्योंकि जिस माहौल में आदमी रहता
रहता है वैसा बन जाता है। अगर मैं सिगरेट पीने वालों के साथ रहूंगा तो सिगरेट पीऊंगा, मैं दारू पीने वालों के साथ रहूंगा तो मैं दारू पीऊंगा। उसी तरीके से मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगा तो पॉजिटिव हो जाऊंगा, और वही पॉजिटिव मैं आप लोगों को करने आया हूँ। इसलिए दोस्तों टीके रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो जिंदगी में उतार लेना, और नहीं लगी हो तो जो जिंदगी चल रही है चलते रहने देना, क्योंकि भगवान धरती पर नहीं आने वाला, वो सिर्फ अपने बंदों को भेजता है कि जा इसकी जिंदगी बदल के आ जा। निर्णय आपका है, कमिटमेंट आपका है, जिंदगी आपकी। और अगर कभी समय मिले एक छोटा सा काम मेरे लिए भी कर देना, करोगे? Yes. आपका जो भी कमीशन पिछले महीने का आया मेरे अकाउंट में डाल देना, आधा डाल दोगे? Yes. उसमें तो कोई हाँ नहीं बोलेगा। देखो पैसों की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखिए। कभी समय मिले तो दो मिनट के लिए मेरे लिए भी दुआएं कर लेना, किसी तरीके से हम लोगों की जिंदगी बदलते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।